नमस्कार दोस्तों, अच्छा ठेकेदार बनना है, सफल ठेकेदार बनना है, या यूं कह सकते हैं अच्छा पैसा ठेकेदारी में कमाना है, बहुत जल्दी आपको एक सफल ठेकेदार बनना है, तो मैं कहूंगा ठेकेदार को तीन लोगों से पंगा कभी नहीं लेना चाहिए। पंगा का मतलब लफड़ा है, या यूं कह सकते हैं लड़ाई झगड़ा, या यूं कह सकते हैं दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। यदि ठेकेदार इन तीन लोगों से पंगा ले लेता है तो समझ में नहीं आएगी कि क्या करें और क्या नहीं करें। यदि आप अच्छे ठेकेदार बनना चाहते हैं तो मैं कहूंगा उनमें पहला आदमी वो होगा जो अधिकारी आपकी साइट पे रोज चेकिंग करने आता है, चाहे वो आपका जूनियर हो सकता, जूनियर इंजीनियर हो सकता है, चाहे आपका असिस्टेंट इंजीनियर हो सकता है, या आपके यहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो सकता है। ये सारी निर्धारित बातें आपकी क्लास के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी क्लास के ठेकेदार हैं। यदि आप डबल ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आपके यहाँ चीफ इंजीनियर भी विजिट करने आते हैं, आपके यहाँ एडिशनल चीफ भी आते हैं, आपके यहाँ एससी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर भी आते हैं, एचएनस भी आते हैं, एएन जेएन तो 24 घंटे आपकी साइट पर रहते ही होंगे। ऐसी स्थिति में आप इनमें से किसी भी एक अधिकारी के साथ यदि किसी तरह का फालतू का पंगा, देखिए विधिवत बात तो आपको कहनी ही पड़ेगी, और नम्रतापूर्वक आप यदि किसी भी अधिकारी को कहेंगे तो कोई भी अधिकारी चाहे कितना भी करड़ा आदमी हो, कितना भी कठोर दिल आदमी हो, या कितना ही खूंखार आदमी हो, या कितना भी धाकड़ आदमी हो, सब समझते हैं कि ठेकेदार यहाँ दो पैसे कमाने के लिए आया है और उसके साथ में इस तरह की जाति नहीं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, नम्रतापूर्वक आप किसी भी अधिकारी को कुछ कहते हैं तो वो आपकी बात को माने न माने वो बात अलग है, मगर सुनता जरूर है। मगर आप उद्दंडतापूर्वक किसी अधिकारी को दबाव दे करके, परेशान करके, या फोर्स दे करके यदि आप कोई काम करवाना चाहेंगे तो कतई नहीं होगा। ये बात आप लो की लकीर मान लीजिए। आप किसी देवता के मंदिर में जाते हैं तो क्या आपने कभी किसी देवता को लात मारते देखा है? अपन भगवान को सब कुछ कहते हैं, भगवान मेरा ऐसा कर देना, ऐसा कर देना, ऐसा कर देना, और भगवान की मूर्ति शांत खड़ी रहती है, कोई जवाब नहीं देती है आपको। आप अपने मन में कोई भी बात सोचने में, हाँ मेरा काम बन जाएगा, हाँ मेरा काम नहीं बनेगा, ये कैसे हो जाता है? ये इसलिए हो जाता है कि आप शुद्ध मन से कुछ कहते हैं तो आपको आपका जो आत्मा है वो कहती है हाँ आपका काम हो जाएगा, और आप मन में कुछ दुर्भावना रखते हुए कुछ कहते हैं तो नहीं होता है, ये आपको पता चल जाता है। तो वैसे ही आप अधिकारी को शुद्ध मन से, या सही बात, या साइट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या वहाँ की लोकेशन के हिसाब से यदि कोई बात कहेंगे तो अधिकारी को तुरंत समझ में आ जाता है और वो आपकी हेल्प करने को तैयार हो जाता है। मगर आप यदि दुर्भावना से, या पैसा कमाने के चक्कर में, या ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में कोई बात कहते हैं कि अधिकारी बेवकूफ बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। दूसरा आदमी वो हो सकता है जो जनप्रतिनिधि होता है। जनप्रतिनिधि का मतलब है आपकी साइट जहां काम चल रहा है वहां का एक अदना सा प्रतिनिधि कोई भी आ जाए आपकी साइट पे, वो चाहता है जानना कि ये साइट पर कितना काम होगा, कैसे काम होगा, काम करने का तरीका क्या होगा, जी शेड्यूल में क्या लिखा है, आप क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये बताना आपका दायित्व है और उनका भी दायित्व है पूछना। तो ऐसी स्थिति में आपको जरूर बताना चाहिए। हाँ, यदि वो कहीं कुछ गलत करते हैं आपके पास, आपके साथ फोर्सली कुछ गलत करते हैं, या मैं ऐसा कर दूंगा, सारी नौबतें तभी आती हैं जब आप उनको जवाब प्रॉपर नहीं देते हैं। उनका जानने का अधिकार है, बताइए आप उनको, और ज्यादा बताइए, कुछ ऐसा कुछ बताइए जो आपकी नजर में यहाँ होना चाहिए, इस साइट पे और कुछ होना चाहिए वो भी बताइए कि ये काम तो हो ही रहा है। इसके साथ यदि अधिकारियों से आप कहेंगे कि सर इस सड़क को थोड़ा सा आगे तक, यहाँ तक और बढ़ा दीजिए, इस काम को कैसे जैसे एक्स्ट्रा एक्सेस करके यदि इस काम को वहां तक पहुंचा दिया जाए तो हमें थोड़ी सुविधा और हो जाएगी, गांव के जनप्रतिनिधि या उस एरिया के जनप्रतिनिधि आपकी बात को अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और आपका काम अच्छे से चलने लग जाएगा और अच्छा काम हो जाएगा, और उसी साइट के ऊपर काम चलते चलते आपका वर्क सवाया हो जाएगा।
सौ की सवाई भी अच्छी होती है और एक की चवन्नी भी बुरी होती है। दोस्तों अगला आदमी मैं कहना चाहूंगा कि आपके साइट के आपके स्टाफ के किसी भी कर्मचारी के साथ में आपको पंगा नहीं लेना चाहिए। यदि आपके स्टाफ कोई भी आदमी जो आपके खिलाफ बात कर रहा है, आपके विरुद्ध काम कर रहा है, आपकी क्या कहना चाहिए ओबेज को नहीं मान रहा है, तो उसको आप ऑफिस में बुलाइए, तरीके से उससे बात कीजिए, क्यों कर रहे हो आप ऐसा, क्या चाहते हो आप, क्या आप मेरे सुपरवाइजर ने कोई गलती की है, क्या मेरे कोई मिस्त्री ने गलती की है या किसी मुझसे गलती हुई है, ऐसा आप पूछ सकते हैं और उसकी बात का जवाब जब वो देगा आपके सारी बात समझ में आ जाएगी। हो सकता है उस कर्मचारी की कुछ पारिवारिक समस्या हो सकता है उसकी कुछ आर्थिक समस्याएं हो सकता है वो मानसिक रोगी हो सकता है वो कोई बीमारी से पीड़ित हो, और ऐसी स्थिति में वो ऐसे काम कर देता है जो आपके वादों के खिलाफ होते हैं। परेशानियां उनको भी हैं, उनकी परेशानियों को समझना चाहिए आपको, इसलिए समझते हुए उनके साथ में कोई पंगा नहीं ले। इसलिए मैं कहता हूं अच्छे ठेकेदार बनना है तो ये तीन लोगों के साथ में कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए। नमस्कार।